है दोस्तों, ये नोटिस आया है जामिया ऑफिशियल से कि जिन्होंने एडमिशन लिया है इस साल, लड़के हों या लड़कियां हों, जिन्होंने एडमिशन लिया है इस साल, उनके कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 10वीं करके भी अगर कोई भी कोर्स में जामिया में एडमिशन लेते हैं तो इन सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। यानी अगर आप म्यूज़िक से शौकीन हैं, डिबेट या ड्रामा, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका जो इंटरव्यू स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, एक स्टेज शो करने के स्किल्स है, वो आपकी बढ़ती है। आपका हिचक जो होता है ना कि शर्माते लोग हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको ये चीज़ हटाना है तो ये जो ड्रामा क्लब है, नाटक क्लब है, क्यूज़ क्लब है, बिजनेस क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, डिबेटिंग क्लब है, उसको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। यानी जो चाहते हैं अपना करियर को अच्छा बनाना, उनको ये सारे क्लब में ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रुचि रखते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इससे रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको अगर स्पोर्ट्स से शौकीन है तो जैसे आप कोई भी नेशनल लेवल पे जाएंगे स्पोर्ट्स क्लब में तो आपको नेशनल लेवल पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको खेला होना चाहिए, स्टेट लेवल पे खेला होना चाहिए, तब नेशनल लेवल पे लेते हैं। लेकिन जामिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 10वीं के बाद जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 10वीं कर लीजिए, कोई भी रेगुलर कोर्स दोस्तों, सेल्फ फाइनेंस नहीं, रेगुलर कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं, इवनिंग और पार्ट टाइम नहीं, रेगुलर कोर्स, कोई भी कोर्स, जो कोर्स में कोई एडमिशन भी नहीं लेता उसमें भी ले लीजिए और इन सारे क्लब्स में आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ आप क्रिकेट का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फुटबॉल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बास्केटबॉल का भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेहिचक लेके आप उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जामिया सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, इसके अलावा जो भी आपका शौक है उसका भी पूरा करने में आपको पूरा पूरा हेल्प करेगी। आप देख सकते हैं जितने भी ये क्लब्स हैं उस सारे क्लब्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो इस साल एडमिशन ले लिया है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स लड़के लड़कियाँ इस साल एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए लास्ट डेट है 13 सितंबर। 13 सितंबर से पहले फॉर्म भर के पार्टिकुलर डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर में जमा करना होगा। दोस्तों डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर MA अंसारी ऑडिटोरियम के पीछे हैं। जैसे आप जामिया कैंपस में जाते हैं तो पूछ सकते हैं आप किसी से भी कि डॉक्टर MA अंसारी ऑडिटोरियम कहाँ है, और उसके जस्ट बैक में जाएंगे तो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस है, वहाँ पर जाके ये फॉर्म्स मिलेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है या साइबर कैफ़े है तो वहाँ से ये जो मैं आपको PDF दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर DSW जो बोलते हैं DSW डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, यहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकली वहाँ पे अभी रह रहे हैं तो आप DSW में जाइएगा, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर में जाइएगा, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 13 सितंबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अगले साल जिनको अप्लाई करना है तो वो दोस्त अभी से देख लें कि बहुत अच्छा मौका है। जामिया में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अपना शौक पूरा करने के लिए भी ले सकते हैं। जामिया से तो आप जानते होंगे शाहरुख खान जी जो एक्टिंग के बादशाह हैं, वो भी जामिया से पढ़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से पढ़े हुए हैं। और जो सहवाग जी है जो इतने छक्के चौका मारने में एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर हैं, उनके नाम पे एक पवेलियन एंड भी है, जो अपना पवेलियन है जिसका नाम है MA पटौदी सैफ अली खान के पिताजी थे, अब्बा थे, फादर थे, जो इंडिया कैप्टन, इंडियन टीम के क्रिकेट टीम का कैप्टन भी थे, उनके नाम पे स्टेडियम है। तो उसमें एक सहवाग एंड भी है, तो सहवाग का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होगा। जब जामिया के स्पोर्ट्स क्लब में जाएंगे, MA पटौदी साहब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो सहवाग साहब का फ़ोटो लगा हुआ, तो ये बहुत प्राउड फील होता है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ से शाहरुख खान, सहवाग जी पढ़े हुए हैं, मोनी राय है, इसके अलावा जो अंजना ओम काश्यप आज तक में आजकल देखते होंगे वो भी जामिया से पढ़ी हुई हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, तो आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और आके इन सारे क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करिए। या तो आप डायरेक्ट एक्टिंग का कोर्स जामिया से कर लीजिए, या TV का कोर्स कर लीजिए, या कोई सा भी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और आप देख सकते हैं डिबेट, लिटरेरी, बिजनेस, म्यूज़िक, ड्रामा क्लब में आप, ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म जो है आप देख सकते हैं, जिनको डिबेट, लिटरेरी, बिजनेस, म्यूज़िक, ड्रामा में लेना है तो ये फॉर्म भर लेंगे। और बहुत फॉर्म आसान है भरना। या दूसरा, जो अगर सिर्फ म्यूज़िक एंड ड्रामा में लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये फॉर्म है। दोनों फॉर्म लगभग सेम है, राइट?
और आप फॉर्म भर के आप DSW में जमा कर लीजिएगा। जो भी आपका शौक है, ड्रामा में है, लिटरेली में, म्यूजिक में, बिजनेस में, क्यूज में है, डिबेटिंग में है, तो आप उसमें टिक करके आप इसमें आपको भरना होगा, राइट। आपको जो फैकल्टीज़ हैं आपकी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज, रेजिडेंस, मोबाइल, आप जो भी क्लब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें टिक कीजिएगा। जैसे आप म्यूज़िक क्लब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो म्यूज़िक में टिक कर दीजिएगा, बाकी इन लोगों को काट दीजिएगा, राइट। ये फॉर्म आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोकली जाएंगे तो डीन्स ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर में भी हार्ड कॉपी मिल जाएगा, वहाँ फ़ोटो चिपका के फॉर्म भर के आप वहाँ दे दीजिएगा, मेंबर बन जाइएगा, अपना शौक पूरा कीजिएगा। और स्पोर्ट्स का मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको होगा कि अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इंडोर जो बैडमिंटन में भी शौक़ रखते हैं तो आपको कैसे एडमिशन लेना है, उसके लिए भी फॉर्म होता है दोस्तों। फॉर्म भर के आप क्रिकेट क्लब्स जो है या फुटबॉल क्लब्स है या आपका बास्केटबॉल क्लब है या इंडोर जितने भी गेम्स होते हैं, बैडमिंटन हो गया या लॉन टेनिस हो गया, तो इसका भी एक सेपरेट फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर जमा कर देंगे तो आपका कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कोचिंग आप ले सकते हैं क्लासेस करने के बाद, 4 बजे क्लास खत्म होती है, उसके बाद 1 घंटे की कोचिंग होगी। आप ट्रेनिंग लीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ट्रेनिंग भी लीजिए, करियर बनाइए, शौक पूरा कीजिए। जामिया ऐसा इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ भी है, DU भी है, BHU भी है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सारे फैसिलिटी लगभग सेम है। जामिया दिल्ली में है तो ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों, मैं जामिया से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, करियर बहुत अच्छा होता है जामिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपका मन की कोई बात हो कि मैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में शौकीन हूँ या फुटबॉल में शौकीन हूँ तो मैं ऐसा करियर कैसे ग्रो करूँ, तो मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ कमी रह गई है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।